बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट तो बहुत सारी चीज करो मुझे लगता है आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठा है काफी सारी अलग अलग चीज़ों हाँ। में तो अगर कोई यंग लड़का है जो अभी स्टार्ट कर रहा है आप उसको क्या सजेस्ट करोगे वो कैसे स्टार्ट कर सकता है उसको कौन सी कौन सी चीज़ों पे आज के टाइम पे फोकस करना चाहिए ये ऑन्टरप्रीनियोरशिप की अगर कॉन्टेक्स्ट है तो कुछ भी पहली चीज़ तो देखा देखी में ना कीजिए आजकल कई लोग क्या करते हैं कि जैसे शार्क टेंक चला शार्क टेंग के बाद मैंने बहुत देखा क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप्स को मेंटर भी करता हूँ राइट और प्लस मेरे सर्कल में भी अच्छे स्टार्टअप्स वाले लोग हैं तो वहाँ से भी फीडबैक आता रहता है कि आजकल कई बार क्या एक वो देखा देखी में भी लोग चालू कर लेते हैं कि यार स्टार्टअप का कल्चर है मैं भी जाके स्टार्टअप कर पहली चीज़ तो ये ना करें नेवर डू दैट सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपके सही में दिल के करीब है राइट right? कि सही में आप उससे शायद जूझे हैं आपके करीब है वो प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को पहले देखिए कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूंगा व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द मार्केट राइट सो वैल्यूएशन के गेम में नहीं जाना है वैल्यू के गेम में जाना है कि हाव यू कैन क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट आप मार्केट में वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे वैल्यू क्रिएट होती है लोगों की लाइफ में या तो कोई कन्वीनियंस पैदा करके या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम सोल्व करके उससे आप वैल्यू क्रिएट करते हो तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम क्या सोल्व करोगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट पी इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व देन देर इज अ सेकेंड पी नाउ डिजाइन अ प्रोडक्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम बिकॉज प्रोडक्ट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम आप जिस प्रोसेस से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वही तो आपका प्रोडक्ट है तो आप सेकंड पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें कि अब आप क्या प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे या क्या प्रोडक्ट लेंगे या क्या सर्विस देंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई द निश अपनी निश भी आइडेंटिफाई कीजिए प्रोस्पेक्ट निश को अगर मैं डिफाइन करूँ तो निश इज लाइक पीपल हु आर गोइंग टू सर्व आप किसको सर्व करने वाले हैं कुछ सीनियर सिटीजन्स को करेंगे हाउस uh, वाइफ्स को करेंगे पेरेंट्स को सर्व करने वाले हैं आप ऑनटरप्रन्योर्स बिजनेस ओनर्स को सर्व करने वाले हैं किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप कौन है आपका ग्राहक कौन होने वाला है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसके पेन क्या है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है उसकी होप्स एम्बिशंस उसके डिज़ायर्स क्या हैं जितना ज़्यादा डिटेल में उसे समझेंगे वो समझदारी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और एकदम से मत कूद जाइए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो यह ना करें कि सब छोड़ छुड़ा करके एकदम से मुझे तो स्टार्टअप करना है करेज और स्टूपिडिटी में अंतर होता है ठीक है रिस्क लेना चाहिए लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में अंतर यह है कि अगर शैन मोहन बॉलिंग कर रहा है और उस बॉलिंग पे अगर सचिन तेंदुलकर स्टेप आउट करके हवा में खेलना चाह रहा है तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है उसने शैनवॉन की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ी है उसने उसकी फ्लाइट भी जज करी है पिच भी जज किया है उसने उसने गैप भी देखे हैं कि एरिया भी चूज़ किया है कौन से एरिया में जाने वाला हूँ मैं स्विंग भी देखी है हवा में वो बहुत सारा कैलकुलेशन उसके ब्रेन ने करके डिसीजन लिया है कि मुझे स्टेप आउट करके मारना है ये कैलकुलेटेड रिस्क है यही अगर भज्जी आगे बढ़ के मार रहा है हवा में खेल रहा है तो वो रिस्क है उसने कैलकुलेशन नहीं करी है उसने लगा दो बस ठीक है हाँ तो उसके में आउट होने के चांसेस ज्यादा लग भी सकता है कभी तुक्का बट आउट के चांसेस ज़्यादा हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क से मेरा मतलब ये है कि अगर आप नौकरी में हैं पहले अपना सर्वाइवल का टेकन केयर कीजिए कि अगर आपका जो बेसिक खर्चा है भले ही सर्वाइवल लिमिट कर दीजिए अपने खर्चे लिमिट कर दीजिए लेकिन पहले ये मेक श्योर sure करें कि आपका अगर खर्चा सर्वाइवल जो है वो पूरा हो रहा है उसका टेक केयर करके शुरुआत में एज ए साइड असल करें अगर ऑलरेडी जॉब में है मैं उनके लिए कह रहा हूँ शुरुआत में एज ए साइड अर्सल करें और फिर जब इतना आप कमा रहे हैं कि अब सर्वाइवल हो सकता है तब फिर उसको फुल टाइम कर दें या फिर सेकेंड तरीका ये है कि एटलीस्ट दो साल का अपना घर खर्च सेविंग में बचा के रख लें अगर ये कर लिया है, तो देन यू कैन गो फुल थ्रोटल क्योंकि किसी भी बिजनेस में एक पेशेंस तो आपको देना पड़ेगा रातों रात नहीं हो जाएगा कई ऑन्टरप्रीन्योर्स गलती क्या करते हैं कि सपोज पहले नौकरी कर रहे थे रातों रात छोड़ करके फुल टाइम यहाँ लगा दिया सारी पूंजी यहाँ पे लगा दी अब दम है आइडिया के अंदर लेकिन अब उनका फाइनेंशियल पावर खत्म हो गई है उनके पास में और इससे एक और चीज़ होती है कि मतलब बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू इन द मार्केट अगर आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट करोगे तो मार्केट आपके लिए पैसा क्रिएट करने ही वाला है बिकॉज मनी इज जस्ट अ सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू को मेजरमेंट देने के लिए पैसा समाज में आता है सोसाइटी में मनी का इन्वेंशन वैल्यू के मेजरमेंट के लिए होता है तो फंडामेंटली मनी इज सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू तो यानी कि आप वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे बट द प्रॉब्लम इज अगर आपका सर्वाइवल टेकन केयर नहीं है तो यू विल नॉट थिंक अबाउट वैल्यू यू विल थिंक अबाउट मनी now you might compromise your ethics you might compromise the quality of your product because ab aapki intention alag ho gayi hai right now you will put profit first and people will go at second back seat so ye kabhi nahi hona chahiye to iske liye jo log agar job करते हैं या ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है तो वो ये दो तरीके से करें कुछ लोग जो कम्प्लीटली यंगस्टर्स हैं बिल्कुल नए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि पहले कहीं सीखें थोड़ा सा और ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देन दे कैन स्टार्ट अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल